क्या भूत प्रेत आत्माओं को नहीं मानते? नहीं तो जाकर उनसे पूछिए जो मेरा सच जानते हैं। मैं जब दबोचता हूँ तो कौन तांत्रिक कौन मौलवी सबका गला सूख जाता है। रीढ़ की हड्डियां चीख पड़ती है। मुझसे मजाक करने वाला अक्सर मेरे गहरे सन्नाटे में दफन हो जाता है। इसी शोर के बीच आपके इर्द गिर्द ऐसा बहुत कुछ होता रहता है जिसकी मौजूदगी पे शक करने के बावजूद आप उसके वजूद से इनकार नहीं कर सकते। इसी रहस्य के अंधेरे से एक चेहरा उभरकर सच की आंखों में आंखें डालकर बार बार यही कह रहा है, बच के रहना, भूत आया। आज मैं फिर फाइनल देखता हूँ यार भूत वाली मूवी। चलो आज भूत वाली मूवी देखता हूँ, मजा आ जाएगा यार। पर फोन करता हूँ यार। अरे ये फोन क्यों नहीं हो रहा यार? तो चल रहा था यार, यहाँ क्या हो गया? इसको तो मैंने फुल चार्ज किया था यार, फिर बैटरी कैसे डाउन हो गई इसकी? चलो अच्छा मोबाइल दशमी के हिंदुस्तान में कई अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। झारखंड के छोटे से गांव गरवा की भी अपनी कहानी है। ऐसी कहानी है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। माना जाता है भगवान श्री राम ने जिन राक्षसों का नाश किया और पुनर्जन्म लेने की कोशिश में कई इंसानों को मौत के घाट उतार चुके हैं। सुनने वालों को ये कहानी लेकिन फियर फाइल्स में आज हम आपको ऐसे दो बच्चों की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने इस डर को छुआ है। राजना तो अपने खेत में पटेला मार लेते हैं। कौन से खेत में? ये अपने केले वाले खेत में। अरे केले वाले खेत में? और क्या केले वाले खेत में? अरे यार बहुत देख लिया यार, अब चलता हूँ, पर टाइम भी बहुत हो गया। अरे यहाँ तो भूपर रखा था, भूपर कहाँ चला गया? अरे यार चला गया, अभी यही तो रखा। यार भूपर गया तो गया कहाँ है? हमारा अगला एपिसोड जल्दी देखिए यूट्यूब चैनल सोनी टीवी संपूर्ण नगर पे।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ऐसे वीडियो देखते रहिए फिर फाइल्स, हर रोज आएंगे आपको डराने रात 10:30 बजे।